जय जगन्नाथ। मु सस्मिता मो चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। भारत वर्ष रे वर्ष गणना सौर मास संक्रांति ठारु आरंभ होता बेले चंद्र मास पूर्णिमा ठारु होइताय। वैशाख मासर संक्रांति को मेष संक्रांति कुआ जाए। पृथ्वी रो क्रांति पथ बार भाग बा बार मास किंबा बार राशि रे विभक्त करा जाइथे। एणु वैशाख मासर बा मेष संक्रांति ठारु नूतन वर्ष आरंभ होइथाय। एही दिन सूर्य विषुव रेखा उपरे थिबारु याहाकु विषुव संक्रांति बोली मध्य कुहा जाइथाय। एही दिन रे पणा बा बेल पणा प्रस्तुत करा जाय, भोग दिया जाय थाय। एही समय रे प्रखर ग्रीष्म प्रवाह हेतु खाद्य शीघ्र हजम होइथाय। एणु गुरु खाद्य रूपे छतुआ एपरिकी बेल कु पणा मध्य व्यवहृत करा जाय थाय। महा विषुव संक्रांति दिन श्री राम भक्त श्री हनुमानंकर मध्य जयंती पालन करा जाय थाय। ब्रह्मा विष्णु ओ इंद्र देवता मानंक द्वारा वरप्राप्त होई साक्षात शिव एकादश रुद्र अवतार भावे जन्म ग्रहण करिथिले। महादेव शिव एकादश रुद्र अवतार हनुमानंक स्वरूप रे जन्म ग्रहण करिछंती। बानर राजा केसरी ओ माता अंजनीक गर्भरु श्री हनुमानंक जन्म ग्रहण करिथिले। तेबे शिव पुराण रे कहा जाइछि जे बाल राजा केसरी ओ अंजना मनुष्य रूपरे धारण करी सुमेरु श्रृंग उपरे भ्रमण करथिले। सप्तश्री मानंक माने अंजनांक श्री बणेन्द्रिय देई शिवंक अंशकु गर्भाशयरे रखिबा द्वारा सेथिरु परम तेजसी कपीश्वर उत्पत्ति होइथिला। मंगलवार दिन अंजनांक गर्भरु भगवान शिव शंकर मेखला कौपनी ओ जंगपदी पवती धारण पूर्वक कर्णरे कुंडल युक्त होई जलक्तवर्ण मुख विशिष्ट लांगुल युक्त होई बानर रूपरे अवतारण करी ग्रहण करिथिले। भक्त श्रेष्ठ एकमात्र रक्षक भक्तराज श्री रामदूत श्री हनुमानक उपासना ओ आराधना भक्ति भावनार सहित कले चमत्कार कार्य सिद्धि होइथाय। श्री राम भक्त श्री हनुमानक दैनिक चालीसा पाठ करिबा पूर्वरु हनुमान जयंती दिन पूजार्चना कले असाध साधन होइथाय। एही दिन नववर्ष भावे पालन मध्य करा जाय थाय। ओडिशा रे एही पवित्र दिनटी को पणा संक्रांति भावे मध्य पालन करा जाय थाय। एही दिन ओडिशा रो घरे घरे पणा भोग मध्य तुलसी गछरे अर्पण करा जाय थाय। महा विषुव संक्रांति पणा संक्रांति प्रतिवर्ष एप्रिल मास 14 तारीख रे पड़िथाय। एही वर्ष मध्य सेही दिन पालन करा जीव। तेनु आपण माने एभली उपाय जदि करिवे ताहाले निश्चय बजरंग बलिंकर आशीर्वाद आपण माने पाइबे ओ तांकु मध्य प्रसन्न करि परिबे। एही पूजा करिबा द्वारा आमे हनुमानंकर सबु दुख हमर दूर करिथांती ओ घरे सुख शांति भरि दियथांती। तेबे जानिबा एही दुईटी उपाय कौन, जेपरिकि प्रथम उपायटी होउछि पणा संक्रांति पूर्व दिन सकाळु उठि स्नान करी स्नान कला परे घरे अन्य कोनोसे काम न करी सीधा ठाकुर घर को प्रवेश करिबा उचित। यहाँ परे प्रभु हनुमानक पाखरे एक तेलर दीप जलाई तांका पाखरे अर्पण करिबा उचित ओ प्रभु को आराधना करिबा। यहाँ परे दुईटी धूप काठी निया जीव एवं जलाई बजरंगबली को अर्पण करा जाए।
पूजा करिबा परे प्रभुंक हनुमान चालीसा मध्य पाठ करा जाए। शेषरे जेउ ड्यूटी धूपकाठी जलाई थिबे सेई धूपकाठी संपूर्ण जलिबा परे तार पाउंसकु आपणको निज मथारे बेकरे लगाइबे। आपणक परिवाररे जिए भी थिबे छुआ माने घर लोक समस्तंक मथारे एही पाउंस मध्य लगाइबे। एही पाउंसकु आपण माने मध्य रखी परिबे। आपणक छुआ माने जतले परीक्षा दबाकु जाउथिबे कि किछि भी शुभ कार्य जाउथिले तांको मुंडरे एही पाउंस लगाई तांको पठेई पारिबे। प्रभु बजरंगबली समस्तंक मनस्कामना को निश्चय भाबरे पूरण करिबे। ओ द्वितीय उपायटी होउची एही दिन पवित्र पण संक्रांति दिन सकाळ उठी शीघ्र स्नान सारी पूजा घर भलरे सफा करी जे स्थान रे पूजा करिवे से स्थान रे सफा करी देबे। आउ घर द्वार सफा करी स्नान सारी यहा परे ओस्त गछ पाख को जाई एक सुंदर ओ सतेज ओस्त पत्र तोली आनंतु। एही पत्र को आनी भल भाबरे धोई दियंतु एवं ताकू निज ठाकुर घरे रखी दियंतु। यहा परे एही ओस्त पत्र रे हलदी ओ सिंदूर लगाई मिसाई एक लेप प्रस्तुत करी एक टंकिया मुद्रा रे एही पत्र उपरे रखी दियंतु एवं चंदन सिंदूर एही चंदन सिंदूर हलदी एही ओस्तपत्र रे बिंदु बिंदु करी लगाई दियंतु। यहा परे आपण देखिबे जे प्रभु हनुमान को एही पत्र को समर्पण करंतु। यहा परे सेही ओस्तपत्र सह प्रभु हनुमान को आलती करंतु। प्रभु बजरंगबली को आलती करी सारिबा परे सेही पत्र एवं टंकाकिया मुद्रा को निज घर पछपटे माटी खोली पोति दियंतु। निज जीवन रे थिबा कौनसी धन संबंधी अथवा कौनसी भी समस्या जदि थाए ताहा भगवान को एही समय रे जणैबा उचित। एही समय रे भगवान को जणैले ताहा निश्चय पूर्ण होइथाय ओ सबु मनस्कामना पूर्ण मध्य होइथाय। एपरि करबा द्वारा आपण देखिबे जे प्रभु हनुमान को कृपा दृष्टि लाभ हेब एवं जे कोनोसी कार्य अटकी जाइथिबो ताहा निश्चित भाबरे पूर्ण हेब। घरे सुख एवं समृद्धि बढ़ेबा पाई सुंदरकांड हनुमान चालीसा हनुमान श्लोक को हनुमान को जयंती दिन जदि पढ़ा जाए ताहले बहुत बढ़िया फल मिलिथाय। आपण जदि कौनसी व्यवसाय करुछंती ओ व्यवसाय रे लाभ होना ताहले हनुमान जयंती दिन हनुमान को सिंदूर अर्पण करंतु। व्यवसाय रे क्षति की रोकिबारे यहा बहुत ही साहाज्य करिब। रोग को रोकिबा पाई हनुमान जयंती रे जदि कहारी देह खराब रहिछि ताहले रोगी की सेवा करंतु जहा द्वारा हनुमान अत्यंत प्रसन्न ओ भक्त मानक रोगरु रक्षा करिथांती। एहिपरि किछि उपाय करिबा द्वारा आपणकर सबु असुविधा दूर हुए। कौनसी मानसिक चाप दूर करबा को चाहुतिले हनुमान जयंती दिन श्री रामचरित मानस किंबा श्री राम रक्षा सूत्र पढ़ा जाए। यहा करिबा द्वारा मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ी थाए। बजरंग बलें कि पसंदर जिनिष भोग लगातु ताकू दीप धूप द्वारा आलती करंतु पूजा करंतु देखिबे आपणकर सबु मनस्कामना निश्चय पूर्ण हबो। ए भिडियोटी जदि आपणकु मोर भल लागिला लाइक करिया को भूलिबेनी। फर्स्ट टाइम जदि मो चैनल आछंती सब्सक्राइब करिबे बेल आइकन को प्रेस करिबे और जदि किछि भी पचारिया थिबो कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचारिबे। आउ आपणक संग साथी को शेयर करबा को मध्ये भूलिबे नै। मु रहुछि नमस्कार। जय बजरंगबली।